उत्साह के साथ तीर्थ पक्ष शिरोमणि परम पूज्य स्वाचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की चतुर पटाधीश्चर्य चक्रवर्ती अभिक्षण ज्ञान उपयोगी राष्ट्र संत मो प्राण गुरु श्रेष्ठ आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव जी आचार्य सन्मति जी गुजरात के उद्योगपति के जीवन की एक सच्ची घटना के साथ प्रारंभ करना चाहेंगे। इतने नामी और इतने बड़े उद्योगपति और सरल मना उदार मना उद्योगपति जो कहते हैं कि दिवाली के ऑफर में भी अपने जो एम्प्लॉयज को कार भेंट किया करते थे, उस लेवल के उद्योगपति और उनका आज्ञाकारी सुपुत्र जो विदेश में बहुत ऊंची बहुत बड़ी पढ़ाई करके लौटता है और लौटने के बाद पूरा बिजनेस उसको ही मिलना है, वो स्वाभाविक बात थी। पर उसको बिजनेस देने के पहले जब वो विदेश से लौटता है तो सबसे पहले वो जो पिताजी होते हैं वो उसकी सारी डिग्रीज अपने पास ले लेते हैं और उसके लिए कहते हैं कि देखो बेटा, मेरी भावनाएं कि 2 माह के लिए तुम दक्षिण की तरफ जाओ और उस तरफ जा करके तुम कुछ कमाई करके लाओ। 7,000 रुपये उसे देते हैं कि बहुत ज़रूरत होने पर इसका उपयोग करना, बाकी तुम खुद अपनी कमाई करके 2 माह बाद आना, फिर अपन आगे का विचार करेंगे कि क्या करना है। अब इतने नाजों से पला बड़ा वो बेटा और ऐसी बात कौन स्वीकार करेगा और ऐसे एकदम पराये देश में जाना क्या करना, पर फिर भी उसकी परवरिश ऐसी थी और वो पिता को सब कुछ मानता था और पिता से उतना उसे प्रेम वात्सल्य भी मिला था, तो वो आगे शिरोधार्य करके जाता है 7,000 रुपये लेकर के। हिंदी और इंग्लिश बोलने वाला वहां तमिल और तेलुगु के बीच, क्योंकि सबसे बड़ी शर्त जो रखी गई थी, उसके पिताजी ने कहा था कि तुम यहाँ की किसी प्रकार की आइडेंटिटी का उपयोग नहीं करोगे कि तुम अमुक के बेटे हो या तुम हमारे पास ऐसी डिग्री है या तुम इंग्लिश आती है, कुछ भी इस सब को परे करके तुम्हें अपने बल पर जो करना है वो करना है। और इन सभी बातों को मानते हुए वो वहाँ रहा। कई तरह का संघर्ष आया, पहले तो लगा इन्हीं पैसों से कुछ खाना पीना तो करे, यूज तो करे, पर फिर भी वो अपने उसमें दृढ़ रहा। थोड़ी बर्तन धोने का और इस टाइप का भी काम करना पड़ा, फिर थोड़ी काबिलियत पर कुछ और भी काम करता रहा, पिताजी के साथ संपर्क में भी रहा। 2 माह के बाद ऐसा कुछ रहा कि उसने 6,000 या 10,000 के आसपास थोड़ा कमाया और पिताजी को कहा कि अब मैं क्या करूं, 2 महीने हो गए। पिताजी ने कहा बिल्कुल तुम घर वापस आ जाओ, तुम्हारे पास जो पूंजी है उसी से खर्चा करके वापस आ जाना। बेटा घर वापस लौटता है, माता पिताओं को सुनने लायक बात है और एक सच्ची घटना है। बेटा जैसे ही वापस लौटता है, पिताजी के हाथ में पूरी फैक्ट्री की पूरे व्यवसाय की उसके पास चाबी है, वो बेटे को खुशी खुशी चाबी देता है और फिर उसके दोस्त वगैरह पूछते हैं कि ये तुम्हें पहले से चाबी देना ही थी तो फिर ये सब क्यों किया। तब पिताजी कहते हैं 2 महीने में तुम्हें समझ में क्या आया, क्या सीखा तूने, पैसों की कीमत समझ में आई, जहां हजारों लाखों यूं लुटा दिया करते थे वहां एक एक पैसे की समझ आई, एक एक समय की कीमत समझ में आई, छोटे वर्ग कैसे होते हैं उनसे कैसा व्यवहार किया जाता है ये बात समझ में आई। और ये सब बात समझने के बाद जब कोई आप चीजें सौंपते हो तो फिर उसका सदुपयोग भी होता है और उसका वृद्धि भी होती है। सच्चा सक्सेस, सच्चा ऑलराउंड डेवलपमेंट ऐसे ही नहीं होता है। और वो पुत्र जो बात कहता है वो सुनने लायक है। बेटा कहता है कि पिताजी मैं आपका किस तरह से धन्यवाद करूं, एक एक समय की कीमत, एक एक रुपए की कीमत, व्यवहार की कीमत तो समझ में आई, पर जो आपने कहा था कि अपनी आइडेंटिटी नहीं शो करना, उससे ये समझ में आया कि मेरी आइडेंटिटी आप है। अगर बड़ों की आइडेंटिटी नहीं होती है साथ में, गुरु की आइडेंटिटी नहीं होती है साथ में, पुण्य की आइडेंटिटी
फैसिलिटी नहीं होती है साथ में तो बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है और उपलब्धि कुछ नहीं हुआ करती है। बुद्धि तो तभी थी मेरे पास, मेहनत भी मैंने बहुत की, पर सिर्फ मेहनत और बुद्धि से पैसा या कुछ भी उपलब्धि नहीं होती है, साथ में पुण्य भी चाहिए पड़ता है। और सबसे बड़ी बात जो समझ में आई कि संघर्ष से, और वो भी हर्षपूर्वक जो संघर्ष स्वीकार किया जाता है और उससे जो उपलब्धि होती है वो अचिंतनीय हुआ करती है, वो एक अनुभव गम्य हुआ करती है। और इस टाइप का सक्सेस पाने के लिए आज कितने माँ बाप इस रूप से समझ पाते हैं, व्यक्तिगत रूप से भी समझने लायक है, आज बच्चों की परवरिश के रूप से भी समझने योग्य बात है। सजी सजाई थाली तो कोई भी खा लिया करता, और हम भी सुविधाएं देना चाहते, खुशी देना चाहते, पर रियल सक्सेस और डेवलपमेंट और संघर्ष और संयम और तप जीवन में नहीं देना जानते हैं, विरासत में ये देना भी सीखो। आज हम सबके सामने जो सन्मति नंदन साक्षात शास्त्रा के रूप में विराजमान है, जिनमें सारे शास्त्र जीवंत दिखते हैं, आज उनके भी इस सक्सेस, इस डेवलपमेंट का कारण गुरुदेव सन्मति सागर, जिन्होंने वात्सल्य तो दिया, संस्कार तो दिए, साथ में हर संघर्ष, हर असाता, हर उपसर्ग, हर तरह से ऐसा निखारा, ऐसा अनुभव दिया कि आज इतने सक्सेस के बाद, इतनी प्रभावना के बाद जो मूल धन है मोक्ष मार्ग के, एक एक समय की, एक एक पल की, एक एक परिणाम की कीमत उन्हें पता है, और प्रभावना होते हुए भी साधना में कोई कमी नहीं आती, यह आज के समय का सबसे बड़ा आदर्श है। आई फ्लू हुआ तो भी किस कृति कर्म में कमी आई, किस क्रियाओं में कमी आई, किस शिष्यों के साथ में कमी की, कि किस समाज के व्यवहार के साथ के, किस प्रवचन में कमी हुई बताओ। और जब व्यक्तिगत रूप से इस तरह से गुरु चरणों में जब रहते थे तो कहते हैं वो किसी की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखते थे, अपना ध्यान अध्ययन, ध्यान अध्ययन और गुरु आज्ञा सर्वोपरि, इतनी ही चीजें थी। बाहर से भी सब आए, जानते भी नहीं थे कि सुनील सागर कोई है, जो सन्मति सागर जी से जुड़े हुए थे तो इतना व्यक्तिगत रूप से इतना भी उनका कोई ऐसा परिचय वाली बात नहीं रहती थी, पर फिर उसमें इतना परिपक्व किया अपने आप को कि फिर शिष्यों का भार लेने के लिए भी, शिष्य क्या समाज, देश, पूरी जैन संस्कृति, श्रवण परंपरा का भार लेने के लिए भी वो व्यक्तित्व अपने आप में निखरा तैयार हुआ। और ऐसे निखारने के बाद, आचार्य पद देने के बाद भी भेज दिया था, ऐसा प्रूव करना पड़ेगा अपने आप को, साबित करना पड़ेगा, ऐसे ही पद नहीं दे दिया है, और ऐसे ही नहीं दे दिया है, इसलिए आज इस पद को पूरा न्याय मिल रहा है और इस तरह उत्तरोत्तर वृद्धि और सफलता को प्राप्त है। समझना चाहिए, सीखने के लिए बात है, खुद समय सार को जीने वाले, एक एक समय को समझने वाले, पुण्य तो अथा कमा रहे हैं, पुण्य अथा है भी, पर पुण्य को भोग नहीं रहे हैं, अपनी साधना में दृढ़ता का, कल इतने लाइन से चौके हैं, इतने लोग पड़गा रहे हैं, पर फिर भी विधि नहीं मिलने पर उपास नहीं हो गया, ऐसे दृष्टांत कहाँ देखने मिलते हैं। कितनी दृढ़ता रही होगी अपने संकल्प पर, बाकी कहीं भी घुस जाते तो कौन को पता चलना था, किसको, कौन रोकने वाला था उनको बताओ। आप सब आते हो यहाँ पर, गुरु दर्शन प्रवचन आदि, आहार दान आदि का लाभ लेते हो, बहुत 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 अच्छी बात है, पर जो इस सभी वर्ग में टीनएजर्स जो नहीं दिखाई दे रहे, टीनएजर्स मतलब 13, 14, 15, 19, 20 तक के, उनको टर्न करने का ये एक समय आया है, शोध है, बताओ उनको या तो महिमा नहीं है, और अगर थोड़ी बहुत महिमा है तो फिर बड़ों की दखल अंदाजी, क्या चीज नहीं उनको रुचती है, क्या नहीं समझ में आता है, पर उनके लिए बताओ कि आपकी जैसे टीन एज में एक ऐसे गुरु हुए थे जिन्होंने 18 वर्ष में आजीवन ब्रह्मचर्य लेकर के नमक का त्याग कर दिया था, ऐसे सन्मति सागर जी क्या मिला होगा उनको, उनके लघु नंदन आज यहाँ बैठे टीन एज में, जिन्होंने तीन रत्न को प्राप्त किया, रत्नत्रय को प्राप्त
किया, क्या कमी थी घर में और क्या उपलब्ध हो रहा है। ऐसे जब गुरुओं का दर्शन होता है, ऐसे ही नहीं बोलते दर्शनम यस्त वैराग्य, सचमुच रुचि बदलती है, दृष्टि बदलती है, वैराग्य उत्पन्न होता है। घर छोड़ने वाला नहीं हो तो घर में रहते हुए भी पुण्य का संचय होता है, मग्नाशनम पापों का नाश होता है। समय साथ सीखने के साथ समय चेंज करने का अवसर आया है। इट्स अ टाइम टू चेंज एंड टाइम टू अपग्रेड योर स्टेटस। स्टेटस के लिए बहुत ज्यादा रहता है। एक्चुअली मेन माइंडसेट ये है कि उन सभी का कि सब चीज तो मिल रही है, सब चीज अपने पास है, धर्म की गुरु की जरूरत ही क्या है जीवन में। पर रियल स्टेटस अपने जीवन का किस बात से? सब चीज ब्रांडेड यूज कर लेना, क्या इसी से स्टेटस है? ये ब्रांडेड पर्याय मिली है और ये पर्याय मनुष्य पर्याय ब्रांडेड क्यों कही जाती है, श्रेष्ठ क्यों कही जाती है? क्योंकि सिर्फ मनुष्य संयम ले पाता है और नियम संयम अगर जीवन में नहीं है तो फिर क्या बात का स्टेटस में क्या वृद्धि करनी है? सिर्फ बड़ी कार लेकर के घूमना या सभी गलियों में बड़ी से बड़ी ब्रांडेड कार देना। ब्रांडेड धर्म मिला है, ब्रांडेड गुरु मिले हैं, ब्रांडेड शरीर रूपी कार मिली है, उस कार में ब्रेक ही नहीं होगी तो चाहे कितनी ही बड़ी ब्रांडेड होगी वो कहां तक ले जाएगी, कितनी मंजिल की दूरी तय कराएगी? जहां महान संयमी ऐसे मोस्ट ब्रांडेड गुरु और सभी तरह के गुणों से संपन्न गुरु का सानिध्य मिलता है तो स्टेटस वृद्धि करना यानी श्रद्धा में निर्मलता लाना, गुणस्थान वृद्धि होगी गुरु के सानिध्य में, गुरु के गुणों से निकट रह करके वो रियल स्टेटस में वृद्धि हुई जानना और उसको अपना स्टेटस बनाना। 5G और 4G में इतना बिजी है, इतना बिजी है, उन 5G 4G में बिजी लोगों के लिए कहने इतना ही कहना है कि सिर्फ एक बार इन गुरु जी के पावर हाउस से जुड़ करके देखो। 5G से तो बहुत जुड़ लिया और उसमें जीवन का पतन ही होता है। एक बार गुरु जी इस पावर से भी तो जुड़ करके देखो। 5G से जुड़कर वाईफाई के नीचे बैठकर करते क्या है, टाइम अभी जो नहीं आए हैं या जो भी है वो रील्स घुमाते हैं, है ना, यूं उंगली घूमते इतना आता है और कुछ ना कुछ रील्स आती रहती है इंस्टा पर, ऐसा ही होता है ना। रील्स में क्या आता है, इस व्यक्ति के पास भी मोबाइल है और वो रील्स घुमा रहा है, इस व्यक्ति के पास है वो भी घुमा रहा है, क्या दोनों में एक सी रील्स आती है? एक जैसी नहीं आती। इनमें कौन सी आएगी? जिसने एक टाइप की जो देखी हुई है ना उसी टाइप की उसी विषय से संबंधित रील्स आती जाती है और इसमें उसी समय में उसी मोबाइल में उसी चीज से कनेक्ट होकर के अलग टाइप की अलग विषय की रील्स आती है। मतलब दुनिया में क्लाउड्स में बहुत सारी चीजें हैं पर आपके मोबाइल में वो चीजें आप देखते हैं, ये वो चीजें एक के बाद एक आती है जिसमें आपको रुचि है, जहां आप जिस चीज को उसमें से सिलेक्ट करते हैं। यही रील्स के साथ नहीं, रियल लाइफ के साथ भी यही है। मन के स्क्रीन पर वही वही चलता रहता है एक के बाद एक जिसमें आपको रुचि है। दुनिया में बहुत सारे ऑप्शन है करने के लिए और इसलिए इस माइंड स्क्रीन को रियल लाइफ में इस रील को एक बार गुरुजी से इस नेटवर्क से जोड़ दो, एक बार इस वाईफाई में आकर के बैठो, फिर देखो कैसे एक के बाद एक जो रील्स आती है, जो विचारों में जो विशुद्धि में परिवर्तन आता है। हुआ है अभी तो एक महीने दो तीन दिन ही तो हुए यहाँ आए, क्यों विजय जी कितने दिन हुए गुरुदेव को आए यहाँ पर? 1 तारीख को आए थे ना, 4 तारीख हुई, पर इतने दिन में भी सबको लग रहा था कैसे होगा क्या होगा, पर खूब परिवर्तन नजर आ रहा है और उसका कारण यही है कि जहाँ गुरुदेव से कनेक्ट हो जाते हैं ना। आज भी बहुत सारे प्रसंग है जितने लोग यहाँ से बैठे, एक भी दिन ऐसा नहीं है कि बागड़ से कोई युवा यहाँ ना रहता हो या ना आता। उनको देख करके ही समझ में आता होगा कि युवा शक्ति पर कितना प्रभाव रहता होगा कि इतने दूर दौड़े दौड़े सब कुछ छोड़ करके सब यहाँ के दिनों तक रहते हैं, पर फिर भी यही यही की भी बातें सुनाए तो गुरु जी से कनेक्ट होके यहाँ के नेटवर्क में कनेक्ट होके हुआ क्या है? तो मंदिर तो पहले भी आते थे, अभी भी बहुत लोग आते, अच्छी बात है, पर पहले
कदाचित हो जाता था कि मंदिर में आकर के भी घर की चर्चा हो जाए, घर वालों की चर्चा हो जाए, पर अब ये परिवर्तन है कि मंदिर क्या, घर में भी मंदिर की चर्चा होती है, घर में भी गुरुदेव की चर्चा होती है। साथ वो भी कहती है, यार ये ले चल, किससे प्रणाम करेंगे, ये लेके चल, कदाचित ये हो, कदाचित वो हो। ऐसा माहौल बनता है, ऐसा माहौल बनता है कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पार्टिसिपेंट्स में भी ये माहौल नहीं बनता हो। उनको भी ऑप्शन सिलेक्ट करना है और जो जितना स्कोर करेगा, हजारों लाखों लोग रहते हैं और उसमें से एक का सिलेक्शन हो जाए तो कैसी खुशी होती होगी। परगाहन में जिसका सिलेक्शन हो जाता है ना इतने सारे चौकों में, उनसे पूछो लो एक बार कि वो कैसे वाली खुशी होती है। ये सब एग्जाम्स भी कुछ काम नहीं करते हैं, उससे भी बहुत बढ़ करके। पर कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करें यही तो नहीं समझ में आता है। बहुत सारी वैरायटी है और अभी तक तो कपड़ों की, गाड़ी की, चप्पल की, इसकी मैचिंग करते रहे, अब तो ऐसे तार जोड़ने हैं कि गुरु के मन की मैचिंग अपने मन से करनी है ताकि की वो विधि मिल सके। और ऐसा अद्भुत दृश्य दुनिया में और कहीं नजर नहीं आता है। और इस टाइप के इतने चौके और इस टाइप की परगान का दृश्य मेरे हिसाब से दिल्ली में भी अभी तक तो शायद नजर नहीं आया। इसको देखने के लिए भी लाया करो किसी को कि कैसे मैचिंग होती है, कैसे विधि मिलाई जाती है, क्या इस तरीके का। और ये जो इससे जो मिलता है ना, और फिर उसमें सबसे बड़ी बात कि सिर्फ यहीं के थोड़ी है उस एग्जाम में पार्ट लेने वाले, देश भर से आए हुए हैं सभी। तब अब किसका नंबर लग जाएगा, कितने नंबर तो उसी में यहाँ वालों के चले जाते हैं। तो कभी कभी मन भी होता है अपन यहाँ रह के करते हैं, बाहर वाले मौका ले जाते हैं। पर आप सोचो कि कोई बाहर से आकर के सब कुछ छोड़ करके भी ये लाभ चूकना नहीं चाहता है, तो हम यहाँ रह करके थोड़ी तो धीरता रख सकते हैं, थोड़ी तो भक्ति की शक्ति बढ़ा करके लगातार बहुत लाभ ले सकते हैं। और लाभ लेने वालों ने पाया ही पाया है। हम बाहर के कहीं के उदाहरण नहीं सुनाएंगे, यहीं की बात करना चाहेंगे। कुछ श्राविकाएं भैया वृत्ति में आती है तो कहती थी, मेरा ही इतना बदन दर्द होता है, मेरा इतना बॉडी दुखती है, मैं क्या किसी की भैया वृत्ति कर पाऊंगी। पर वो उसने सिर्फ इतना किया कि यहाँ से माता जी को, बुजुर्ग माता जी को जाते हुए देखती तो उसको लगता कि मैं हाथ तो पकड़ लूं, उनको वहां तक तो छोड़ा हूं, और वहां जाके बैठती तो फिर 2-5 मिनट उनकी भैया वृत्ति, हाथ पांव दबाना भी कर लेती। कुछ दिन तक उस श्राविका ने ये किया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो आके हुए कहती है कि पता नहीं मेरे बदन का दर्द कहाँ चला गया है, वर्षों से मैं इससे पीड़ित थी और अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। एक श्राविका कहती वो पांव नहीं रख पाती थी, उसकी एड़ियों में इतना प्रॉब्लम था कि वो उस टाइप की चप्पल यूज करती थी तो भी बड़े मुश्किल से पांव रख पाती। पर मन बनाया, घर में चौका लगा, परगान के लिए खुले पैर आने लगी। रोज घर से यहाँ मंदिर तक परगान के लिए आती, खुले पैर जाती, और वो कहती है पता ही नहीं चला कि मेरी एड़ियों का वो दर्द और सब कहाँ चला गया, और अब मैं रोज परगान में आती। होता है जब ऐसे पुण्यात्मा का इस नेटवर्क से जुड़ते हैं ना, असाध आदि कहाँ चली जाती है। और गुरु की निरंतर सेवा करने वाले कितने, क्या आचार्य भगवान जो अंतर्मुख दृष्टि समय सार की साधना करने वाले, निरंतर अपने में रहने वाले, पर फिर भी उनको हमेशा ध्यान रहता है हर पल कि उनकी सजगता, उनकी वात्सल्य का उदाहरण सुनाना चाहेंगे। पता है कि एक श्रेष्ठ दंपति है जो रोज लगातार सेवा कर रहा, आचार्य भगवान का मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरना हुआ और उस श्राविका का भी मंदिर की सीढ़ियों पर ही खड़ा होना था। वो एक माता जी का हाथ पकड़ के उनको लेकर के जाना चाह रहे थे और आचार्य भगवान नीचे उतर रहे थे, और एकदम तो कैसे हो, क्योंकि मार्बल की सीढ़ियां हैं, पैर स्लिप हुआ, क्या हुआ उनको भी ध्यान नहीं रहा और वो एकदम जोर से आवाज निकल गई, चिल्ला दी। और आचार्य भगवान वही है, तुरंत उन्होंने अपने पीछे की आड़ दे करके उस श्राविका को गिरने से बचा लिया। कितनी बड़ी घटना हो जाती, या सिर फूट जाता, पाँव टूट जाता, क्या हो जाता, पर जो इस रेंज में रहता है ना, आपका नेटवर्क कहाँ तक पकड़ता है, वाईफाई होता है वहीं तक, ये तो ये वाईफाई है जहाँ फायदा ही फायदा है, उसमें तो जो भी होता हो ना होता हो
और इस नेटवर्क में आप देखो लगातार सेवा का फल, उस रेंज में रहने का फल और आचार्य भगवान की उदारता, चपलता, विवेक कि लेडीज है एकदम हाथ पकड़ के भी तो नहीं पकड़, वैसा भी तो नहीं किया जा सकता था। कितना क्विक डिसीजन, कितना क्विक उस तरह से काम करना और उसके लिए वैसा उपकार करना, गुरु के पीछे गुरु का हाथ हमेशा हमारी हर तकलीफ असाधा से रक्षा करता है, हमारे संघर्ष कम हुआ जाते हैं। बस थोड़ा सा एक मन बनाना है, पुरुषार्थ जगाना है, ज्यादा क्या कहें, इतना ही। कई कई असाधाएं यही के बहुत सारे प्रसंग है कि हम आचार्य भगवान को सुनना है, इसलिए इतनी बात के साथ कि बड़े बड़े एक्सीडेंट जो पुलिस केस हो जाता वो एक्सीडेंट भी जरा से में निपट गए और वो श्राविकाएं भी आज लगातार सेवा में लगी हुई है। तो जो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है और जो प्रमाद ना करे, प्रमोद भाव बढ़ाए, गुरु के गुणों से जुड़े, गुणों से जुड़ करके अपने गुणों में, अपने स्टेटस में भी वृद्धि करे, रियल लाइफ की रील्स बदले, विचार बदले, गुणस्थान बदले, यही जीवन की वास्तविक उपलब्धि है। तो इसी दिव्य मंगल भावना के साथ कि हे गुरुदेव, जन जन का कल्याण करने वाले, जन जन में जिन धर्म की महिमा जगाने वाले, सबका हित सोचने वाले, आप तो निश्चित रूप से तीर्थंकरत्व को प्राप्त करें। पर जब आप तीर्थंकर बने तो हम सभी भव्य जीव भी आपके समोशरण में नित आत्मोन्नति करे। इसी दिव्य मंगल भावना के साथ, पूर्ण आत्मसमर्पण के साथ आचार्य भगवान के चरणों में यही कि संघर्ष आए कोई दिक्कत नहीं, उस संघर्ष में भी आपकी कृपा बनी रहे और हम अपने जीवन में उस रियल सक्सेस को प्राप्त करें, इसी दिव्य मंगल भावना के साथ। जय बोलो आचार्य भगवान। सुनील सागर जी, गुरुदेव की एक सूचना।